रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ और नोरा फतेही के बाद अब बॉलीवुड के एक्शन कुमार यानी अक्षय कुमार का डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। इस डीप फेक वीडियो में अक्षय कुमार के चेहरे और आवाज का इस्तेमाल कर एक गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया गया है। जी हाँ, बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक्शन स्टार अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। जहाँ देखो ये और टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हुए नजर आ ही जाते हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म को लेकर लगातार कोई ना कोई अपडेट आती ही रहती है। अक्षय कुमार की साल 2024 की ये पहली फिल्म होगी जो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। आपको बता दें, फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ बस नाम के लिए बड़े मियाँ छोटे मियाँ है। इसका पहली रिलीज हुई अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। फिल्म को एक डिफरेंट स्टोरी और डिफरेंट कास्ट के साथ बनाया जा रहा है। इस साल ईद पर सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली ये फिल्म अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ देखना काफी दिलचस्प होगा कि लोग इसको क्या अपना रिएक्शन देते हैं। इसी बीच अक्षय कुमार का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस डीप फेक वीडियो में अक्षय कुमार का चेहरा और आवाज का इस्तेमाल करके गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया गया है। आपको बता दें, साल 2023 के नवंबर में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। तब ये ऐसा पहला मामला था जिसने पूरी इंडस्ट्री के साथ पूरे देश को चौंका कर रख दिया था, क्योंकि ये भविष्य में आने वाली कई मुश्किलों को न्योता देने वाला था। इसके बाद आलिया भट्ट, काजोल, कटरीना कैफ, नोरा फतेही के डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन रिलीज होने लग गए। अब लेटेस्ट डीप फेक वीडियो में अक्षय कुमार वायरल हो रहे हैं। इस वीडियो में अक्षय कुमार की आवाज और चेहरे का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन कराया गया है। बताया जा रहा है कि अक्षय कुमार के इस डीप फेक वीडियो के बाद शिकायत दर्ज कराई गई है और डीप और वीडियो के सोर्स की भी जांच चल रही है। इसके साथ ही अक्षय कुमार की पहचान का दुरुपयोग करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी कराई जा रही है। वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार की पाइपलाइन में अभी कई बड़ी फिल्में हैं। अक्षय कुमार के फैंस अपने पसंदीदा एक्टर की इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अक्षय कुमार ईद के मौके पर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ नजर आने वाले हैं। साथ ही स्काई फोर्स, वेलकम टू द जंगल, हेरा फेरी 3 जैसी कई फिल्मों के साथ अक्षय कुमार अपने फैंस को बड़े पर्दे पर साल 2024 में दिखाई देने वाले हैं। वहीं अक्षय कुमार फिल्म सिंघम अगेन में भी एक छोटा सा कैमियो करते हुए नजर आएंगे। बताते चले कि अक्षय कुमार पिछली बार साल 2023 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म मिशन रानीगंज में नजर आए थे। भले ही बॉक्स ऑफिस पर मिशन रानीगंज को इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिला हो, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म की बहुत सराहना की थी। आपको बता दें, साल 2023 में भी ऐसा ही मामला सामने आया था जब एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद से ही बॉलीवुड में इसके खिलाफ कई आवाजें उठी। तब ये पहला मामला था। इसके बाद आलिया भट्ट, काजोल, कटरीना कैफ, नोरा फतेही जैसी कई एक्ट्रेसेस का डीप फेक वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन धड़ल्ले से वायरल होता गया। लेकिन अब ये बात खिलाड़ी कुमार तक पहुंच गई है। अब लेटेस्ट वीडियो में एक डीप फेक वीडियो बनाकर अक्षय कुमार का उनकी शक्ल का और उनकी आवाज का गलत फायदा उठाकर एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन का प्रमोशन किया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि साइबर क्राइम और मुंबई पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है और कितनी जल्द इसके पीछे के सोर्सेस का पता लगाती है। धन्यवाद जुड़े रही ऐसे बॉलीवुड अपडेट्स के लिए बॉलीवुड केसरी के साथ।